उनको कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस? एक्चुअली मैं ये पूछना आपसे चाहूंगा कि आप ये गाना जब आप गा रहे थे, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप क्या सोच के गा रहे थे? सर, ये जो मेरा गाना है ये वात्सल्य रस का है और इसमें प्यार दिखाया है, इसमें कि कोई छोटा बच्चा है और उसको प्यार से सुलाना है और वो गरीब है बहुत, और उसके पास उस बच्चे को पालने के लिए पैसे नहीं है, वो ऐसे उसको सुला रहा है प्यार से। मुझे आपकी परफॉर्मेंस में ये सारी बातें सुनाई दी। अगर 100 मार्क होते हैं परफॉर्मेंस के तो दिस इज अ यू नो इट्स अ 95-96% परफॉर्मेंस। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश, मैं जब आपकी एवी देख रही थी तब मुझे पहली बार आपका ये एंगल दिखा। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे सबके बड़े भैया हैं। आपकी आवाज़ में, इस गाने में ऐसा सच में लगा कि कोई बहुत तकलीफ़ में है और उसको बहुत, यू आर ईजिंग दैट पर्सन आउट, उसकी सारे दुख, उसकी सारी तकलीफ़ें इस तरह से वैनिश हो जाती हैं। बहुत बहुत दिल से गाया, गॉड ब्लेस यू। ये जो गाना है उससे मैं फैमिलियर हूँ, और जो लोग ने सीखा है ना वो भी इतना सुर में नहीं गा सकते आकाश जितना आपने गाया है आज। तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारी जो अच्छाई है ना वो सुनाई देती है, वो सबसे ज़रूरी बात है। थैंक यू सर। जजेस, आकाश को प्लीज़ स्कोर्स दे दीजिए। और जनता, आकाश को वोट करने के लिए टाइप कीजिए आइडल्स। जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव
लेकिन संगीत कमाल है। आकाश आप बहुत बहुत अच्छा गाते हो यार, हर बार। शेखर और मैं, आप गा रहे थे तो हम एक तो गाने में पूरी तरह से मग्न थे, नाच रहे थे, और साथ में ये भी सोच रहे थे कि यार हर बार आकाश इतना अच्छा गाता है। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। डिस्को गाना हो या कोई भी स्टाइल का गाना हो, आप यू आर टोटली अनअफेक्टेड बाय व्हाट इज अराउंड यू। कुछ आपको अपने जोन में, अपने फोकस में, इतना स्ट्रांग फोकस है आपका आकाश कि मैं बहुत खुश हूं आज। वेल डन गोविंदा जी। मैं ये कहूंगा कि आपका, आप खुद में थे, मस्ती में थे, और वही कमाल था। इस मस्ती से आप कभी दूर नहीं हुई है, आप इस मस्ती में लगे रहिए और इस मस्ती में आप जिंदगी निकालिए, ऐसी मेरी आपको शुभेच्छा मैं प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। जजेस प्लीज आकाश को स्कोर दे दीजिए। और जनता, आकाश को वोट करने के लिए टाइप कीजिए आइडल स्पेस AKA और भेज दीजिए 5252525 पर। गोविंदा जी, मिथुन दा और बप्पी दा का जो कॉम्बिनेशन था हमने सुना है, उसको देख देख के आप इंस्पायर हुए थे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये सच है। मैंने शुरू शुरू में जो मेरा करियर शुरू हुआ तो उस वक्त मैं जैसे ही अब आकाश है ऐसे ही आया था मैं, और किसी को नहीं लगा था कि मैं एक्टर हो जाऊँगा, स्टार हो जाऊँगा। मैं जिस वक्त स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो समाओ ऐसे ही कहीं मेरे दोस्त यार जो है ऐसे कह देते थे कि यू नो ये मेरा दोस्त है, इसका यू नो ये मिथुन दा के, इसके पर जितेंद्र के, जितेंद्र जी के गीत पे ये बहुत कमाल करता है, तो वहाँ पे वो मुझसे एक्ट करवा के मेरे लिए मुझे फ़ायदा करवा देते थे। तो ये सच है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सच। मुझे थोड़ा भी ये सुनकर मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। एवरीबडी वी स्टार्ट लाइक ऐसे ही स्टार्ट होता है। सबसे अच्छा होता है कि आप जो कर रहे हैं वो दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ईमान ख़राब नहीं हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.